नए आईटी नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नए सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी नियमों की वैधता का बचाव करते हुए कहा कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल मीडिया में फर्जी खबरों से नागरिकों की रक्षा करने का काम करेंगे। सरकार ने नए आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर अपने जवाबी हलफनामे में ये बात कही। केंद्र सरकार ने कहा कि आईटी कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है और ये दिखाने के लिए बहुत कम सबूत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उनका प्रभाव पड़ा है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा, हालांकि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिकों को निष्क्रिय उपभोक्ताओं के रूप में नहीं माना जा सकता। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि मीडिया में गलत जानकारी के प्रचार के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से सनसनीखेज जानकारी के प्रसारित होने से लोग उसे गलत अर्थ में समझ बैठते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। फर्जी खबरों के प्रसार के कारण लोगों की गलत धारणा बनती है। केंद्र ने कहा कि नए आईटी नियम एक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से डिजिटल समाचार प्रकाशों द्वारा प्रकाशित की जा रही सामग्री से संबंधित अपनी शिकायतों को उठाने के लिए एक तंत्र के साथ नागरिकों को सशक्त बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे। कोर्ट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दायर हलफनामे में ये बात है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित है। इससे पहले जून में दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो इस समय ऐसे आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। वही बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि आईटी नियमों का प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर घातक असर होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियम 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट।